इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में नकली खाद, घी, मसाले के बाद अब नकली शैंपू बनाने का मामला सामने आया है। यहां के एक होटल में डव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस जैसी नामी ग्रामी कंपनियों के नकली शैंपू बन रहे थे। आरोपी दिल्ली से केमिकल मंगाते थे और उसमें नमक और रंग डालकर नकली शैंपू तैयार करते थे। इसे ब्रांडेड कंपनियों के खाली डिब्बों में पैक कर देते थे, फिर गली मोहल्लों में सस्ते में नकली शैंपू को 40% तक डिस्काउंट में बेचते थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली थी कि नए मोहल्ला में जो होटल सैफी पैलेस है उसमें 2 कमरे में लोग अवैध रूप से शैम्पू का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पर दबिश दी गई कि 2 कमरों में 7 व्यक्ति जो आगरा के हैं वो रुके हुए थे और शैम्पू की काफ़ी खाली शीशियाँ, भरी शीशियाँ और शैम्पू बनाने का जो पदार्थ है वो प्राप्त हुआ है, जिसको जब्ती करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गढ़ा जोन के धनवंतरी नगर महाराणा प्रताप वार्ड वर्तमान समय में अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ना यहाँ पर नालियों की सफाई होती है, ना यहाँ पर रोडों में कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाती है, ना यहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है, जिसको लेकर शिकायत करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की है। महाराणा प्रताप वार्ड में श्री हरि विहार के अंतर्गत ये कॉलोनी है हमारी। यहाँ पे आए भी नगर पालिका वाले पैसे मांगते हैं और एक दो बार दिए भी, लेकिन हम लोग कितने बार पैसा देंगे। जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में गोहलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जालसाज कलीमुद्दीन उर्फ केबीसी के विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरणों की जांच अब भी जारी है। पुलिस ने उसके बैंक लॉकरों को खोला और उसकी तलाशी ली। हालांकि लॉकरों से LIC की पॉलिसी के अलावा कुछ खास बरामद नहीं हुआ। SP City रोहित का आकाशवाणी ने बताया कि पुलिस ने जमीन के पूर्व मालिक कांग्रेस नेता डॉक्टर सतेंद्र यादव सहित अमजद और इरशाद के बयान दर्ज किए हैं। थाना गोहलपुर के अमखेड़ा क्षेत्र में जो जमीन के फर्जीवाड़े की जो सूचना आई थी, उस पर गोहलपुर तथा माड़ोताल में कुल मिलाकर 6 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इसका प्रमुख आरोपी जो है वह है कलीमुद्दीन, उसकी कंपनी थी कलीमुद्दीन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन KBC। तो इसमें अभी कलीमुद्दीन से पूछताछ जारी है। उसके कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो एक जमीन का फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं, साथ साथ उसके अकाउंटों को भी देखा गया है और अकाउंट भी सीज किए जा रहे हैं। उसके जो 4 लॉकर थे उनको आज खोला गया, जिसमें उसके LIC से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए, अन्य कोई प्रमुख दस्तावेज नहीं थे। इसके अतिरिक्त इस जमीन के प्रकरण से संबंधित जमीन का जो मालिक थे पूर्व में डॉक्टर सत्येंद्र यादव और अमजद आदि, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के शासन के नीति के अनुरूप नर्मदा तट से 5 किलोमीटर दूर तक शराब दुकान नहीं खोली जा सकती, पर कच्ची शराब उतारने वाले तो नर्मदा के तट पर ही डिस्टिलरीज चला रहे हैं। आज दिन में जिले के आबकारी दल ने बरगी थाना अंतर्गत ग्राम समध पिपरिया में नर्मदा तट में झाड़ियों, नर्मदा नदी के बेसिन और कछारों में अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर दबिश दी। अलग अलग स्थानों से प्लास्टिक डिब्बों और ड्रमों में और पन्नियों में लगभग 2300 किलो महुआ लाहन और 35 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त कर 5 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि नर्मदा नदी के तट पर ग्राम मंगेली और समत पिपरिया में काफ़ी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है। उस पर जो है आज सुबह सुबह दबिश दी गई टीम गठित करके, और नर्मदा के कछारों में और नर्मदा के तट पर और कुछ खेतों में भी भारी मात्रा में महुआ का लाहन बरामद किया गया है और 35 लीटर कच्ची शराब भी बरामद किया गया है। अब मौके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मौके पर लाहन का सैंपल लेकर के लाहन को नष्ट कर दिया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर।
लालमाटी कचियाना निवासी नेहा भगत ने आरोप लगाया है कि उसका विवाह रविकांत भगत के साथ विगत वर्ष हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद रविकांत भगत और उनके परिजनों द्वारा नगद और कार की डिमांड कर मारपीट की गई। महिला ने बताया कि उसके पति रविकांत नगर निगम में संविदा सफाई कर्मचारी है और स्वयं को एडवोकेट बताकर थाने में दबाव बना रहा है, जिसके कारण उसे न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। पिछले 3 साल से संबंध रखने के बाद मुकरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री को भारी पड़ गया। सोमवार को महिला पुलिस थाने पहुंची 23 वर्षीय छात्रा ने शुभांग गुंडिया पर रेप का मामला दर्ज कराया है। आधारदार क्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय पीड़िता पुणे से एमबीए की पढ़ाई कर चुकी है। 2018 में उसकी मुलाकात राइट टाउन निवासी युवक शुभांग गुंडिया से हुई थी। तब वह एबीवीपी का महानगर मंत्री हुआ करता था। आरोप है कि उसने छात्रा को प्यार के झांसे में फंसाया और फिर एक दिन उसकी मांग में सिंदूर भरते हुए बोला कि हिंदू धर्म के मुताबिक आज से वे दोनों पति पत्नी हैं। महिला थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि जब भी छात्रा उसे शादी करने की बात करती तो बोलता कि हम तो शादी कर ही चुके हैं, बस समाज के सामने होनी है वो भी हो जाएगी। लेकिन जब छात्रा ने आरोपी से जोर देकर शादी की बात कही तो वह साफ मुकर गया। आरोपी शुभांग गोटिया के विरुद्ध 3 वर्षों से शादी सफल कर रहा है। शादी का वादा किया था उसने, उसके बाद अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। आरोपी शुभांग गोटिया राइट टाउन जबलपुर का निवासी है। उसके विरुद्ध आज दिनांक 376 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। कब से संपर्क में था? 3 वर्षों से संपर्क में, वर्ष 2018 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुरू किए गए कोविड 19 के महाअभियान के पहले ही दिन जिले में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, कई सेंटर्स पर लंबी लाइन लगी रही। इसका परिणाम ये रहा कि 60,000 के टारगेट की तुलना में जबलपुर में 77,191 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। यह एक दिन का सर्वाधिक वैक्सीनेशन है। महाअभियान 7 दिन तक चलेगा। जिले में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिथि शिक्षकों ने जबलपुर विकासखंड अधिकारी की मनमानी को लेकर जमकर हंगामा किया। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वेतन के लिए बजट उपलब्ध होने के बावजूद जबलपुर बीओ अतिथि शिक्षकों को वेतन मुहैया नहीं करा रही है। इस दौरान अतिथि शिक्षकों ने डीओ को ज्ञापन सौंपा है। न्यू कलकत्ता बीड़ी कंपनी के स्टीकर लगाकर नकली बीड़ी बना रहे कारखाने पर आज क्राइम ब्रांच और कोतवाली थाने ने छापा मारा। इस दौरान कारखाने में नकली न्यू कलकत्ता बीड़ी बनाने के लिए रखी गई 34 पेटी तंबाकू जब्त की गई। मुख्य आरोपी कारखाना संचालक दितेश से पूछताछ जारी है। इस कार्य में अन्य कौन कौन संलग्न थे और ये मिलकर कैसे बाजार में अपना प्रोडक्ट उतारते थे, किस डीलर से कार्य करवाते थे, सभी की जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आधारतार स्थित लिटिल किंगडम निजी स्कूल में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं और एक छात्रा के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। छात्रा को फेल किए जाने पर परिजन और हिंदू परिषद के पदाधिकारी स्कूल प्रबंधन से बात करने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने पुलिसकर्मियों को बुला लिया, जिसके बाद हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और छात्रा के परिजन नाराज हो गए। परिजनों के साथ पहुंची छात्रा उस वक्त फूट फूट कर रोने लगी जब स्कूल प्रबंधन ने जनरल प्रमोशन देने से मना कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।